hello kids today we will do python list part 2 topics which we will cover today are traversal of a list list operations and list modifications first traversal of a list it means to assess and to process each and every element of that list means लिस्ट के हर एलिमेंट को एसिस करना और प्रोसेस करना इज एक्चुअली ट्राइवर्स ऑफ अ लिस्ट फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम वन एल वन इज़ अ लिस्ट एंड फिजिक्स केमिस्ट्री नाइनटीन नाइन्टी सेवन टू थाउजेंड एंड थ्री थाउजेंड आर द एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट राइट नाउ इन ऑर्डर टू एसिस ईच एलिमेंट दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री दिस एंड दिस एंड दिस इंडिविजुअली मतलब एक एक एलिमेंट को अगर एसिस करना चाहते हैं तो फॉर दैट वी विल यूज फॉर लूप तो फॉर लूप फॉर आई इन एल वन एल वन इज द लिस्ट वन दिस वन फॉर आई इन एल वन प्रिंट आई तो इस तरह से अब जो आउटपुट आएगा वो आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री 1997 2000 सेवन 3000 थाउजेंड एंड थ्री थाउजेंड ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी इन द न्यू लाइन क्योंकि उसने एक एक एलिमेंट को एसिस किया है टच किया है प्रोसेस किया है इसमें ये फॉर लूप बहुत इंपॉर्टेंट है इसी फॉर लूप के कारण हम हर एलिमेंट को एसेस कर पा रहे हैं नाउ वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस ट्रेवर्सल ऑफ द लिस्ट सपोज दिस इज लिस्ट टू हैविंग एलिमेंट्स वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर थर्टी थ्री थर्टी सिक्स थर्टी एट थर्टी सेवन फोर्टी फाइव नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सटेक्ट ओनली इवन नंबर्स एंड ईवन नंबर्स आर ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स थर्टी एट राइट अगर हम इन्हीं एलिमेंट्स को एक्सटेक्ट करना चाहते हैं अपने आउटपुट में तो हम इसको कैसे करेंगे इसको तभी कर सकते हैं जब हम हर एलिमेंट को जाँच करें देखें चेक करें कि ये एलिमेंट इवन है कि नहीं है तो फॉर देट वी विल यूज़ फॉर लुप सो फॉर आई इन एल टू अब हम एक एक एलिमेंट को चेक करेंगे तो पहला एलिमेंट जो आई का होगा वो वन होगा दूसरा एलिमेंट आई में जो आएगा वो ट्वेंटी थ्री होगा तीसरा एलिमेंट जो आई में आएगा वो ट्वेंटी फोर होगा तो इवन नंबर के लिए जो हम लॉजिक यूज़ करेंगे वो इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन में हम यूज़ करेंगे कि आई आई मीन्स जो एलिमेंट है उसको हम टू से डिवाइड करेंगे और टू से डिवाइड करने के बाद ये जो मॉड्युलर साइन है वो रिमाइंडर देता है आपको पता है अगर वो रिमाइंडर जीरो आता है तो मतलब वो इवन नंबर है अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो वो ऑड नंबर है जैसे कि फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई विल बी वन तो वन मॉडुलस मॉडलेस टू मैंने वन को टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वन जीरो नहीं आएगा तो नहीं आएगा तो इसलिए ये वन प्रिंट नहीं हुआ उसी तरह से आई की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू ट्वेंटी थ्री होगी तो ट्वेंटी थ्री को टू से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आएगा वन आएगा इसलिए ट्वेंटी थ्री प्रिंट नहीं होगा उसी तरह से ट्वेंटी फोर है आई की वैल्यू ट्वेंटी फोर होगी तो ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई टू रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो होगा इस तरह से ये ये कंडीशन ट्रू हो गई कंडीशन ट्रू ही तो ये प्रिंट आई मीन्स ट्वेंटी फोर प्रिंट हो जाएगा इससे ज़्यादा थर्टी थ्री आपका जीरो नहीं देगा डिवाइड होने पे थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो क्योंकि ये कंडीशन ठीक हो गई इसलिए प्रिंट आई मीन्स थर्टी सिक्स प्रिंट हो जाएगा इसी तरह से थर्टी एट भी प्रिंट हो जाएगा इसलिए ये फॉर लूप बहुत ज़रूरी है ट्रैवर्सिंग के लिए एक एग्ज़ाम्पल और करते हैं जिसमें कि ईवन के बदले हम ऑड नंबर को प्रिंट करेंगे ये देखिए सारे नंबर ऑड नंबर हैं अब ऑड नंबर प्रिंट करेंगे तो ऑड नंबर प्रिंट करने के लिए वही हमने एक लिस्ट ली फॉर लूप लिया और अब हम यहाँ पे आई मॉडलस टू इक्वल टू इक्वल टू जीरो के बदले हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है इन प्लेस ऑफ इक्वल टू इक्वल टू वी विल यूज नॉट इक्वल टू अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो ऑड हो जाएगा तो इस तरह से जो ये केवल ऑड वैल्यूज को प्रिंट करेगा तो दिस इज द लॉजिक टू तो गेट ऑड वैल्यूज राइट नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट ऑपरेशन यहां पे दो ऑपरेशन लिस्ट में हैं एक है प्लस ऑपरेशन एक है मल्टीप्लाई ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन एक्चुअली दो लिस्ट को जोड़ने का काम करता है किस तरह से मान लीजिए लिस्ट फोर है इसमें ये चार वैल्यूज़ हैं एक दो तीन चार फिजिक्स नाइनटीन नाइन्टी सेवन टू थाउजेंड एंड थ्री थाउजेंड लिस्ट फाइव में ये वैल्यूज़ हैं वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स अगर हम लिखते हैं एल फोर प्लस एल फाइव और प्रिंट कर देते हैं तो आप देखिए आउटपुट क्या आएगा ये पहली वाली लिस्ट है यहाँ तक और इसके बाद ये वाली लिस्ट है यहाँ तक ये पूरी एक लिस्ट बन जाएगी राइट तो इस तरह से जो प्लस ऑपरेटर है वो क्या काम कर रहा है टू ज्वाइन अ लिस्ट एट द एंड ऑफ द अनदर लिस्ट राइट होप यू आर गेटिंग अब बात आती है नेक्स्ट ऑपरेटर की एस्टिक इट इज़ जनरली यूज टू रिप्लीकेट अ लिस्ट एक लिस्ट को रिप्लीकेट करने के काम आती है कॉपी करने के काम आती है मान लीजिए लिस्ट सिक्स है इसमें वन टू थ्री है लिस्ट सेवन है लिस्ट सेवन में हमने क्या डाला है लिस्ट थ्री को लिस्ट जो सिक्स है उसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो लिस्ट सिक्स इन टू या एस्ट्रिक थ्री ये हमको क्या देगा इसका जो रिजल्ट हमने एल सेवन में डाल दिया और एल सेवन को प्रिंट कर दिया तो आप देखेंगे आंसर क्या आया क्योंकि इसमें थ्री से मल्टीप्लाई किया था हमने तो आंसर क्या आया वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री मीन्स जो एल थ्री लिस्ट है वो तीन बार प्रिंट हो गई राइट right? तो इस तरह से जो मल्टीप्लाई ऑपरेटर है एस्ट्रिक ऑपरेटर है ठीक है उसके आगे आप जो भी डिजिट लिखेंगे उतनी बार वो लिस्ट प्रिंट हो जाएगी या रिप्लीकेट हो जाएगी अगर हम कहें एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग हमने इस बार लिस्ट सिक्स में वन टू थ्री ये डाला हुआ था अब थ्री के बदले फोर ले लिया तो फोर ले लिया अगर प्रिंट एल सेवन किया तो हेयर यू कैन सी वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री फोर टाइम्स वी हैव लिस्ट सिक्स राइट तो इसने लिस्ट सिक्स को या एल सिक्स को टाइम्स रिप्लीकेट कर दिया तो ये एस्टिक किसके लिए यूज हुआ टू रिप्लीकेट ऑपरेशंस में दो ऑपरेशंस हमने पढ़े प्लस ऑपरेशन ये दो लिस्ट को जोड़ने का काम आता है और ये एस्टिक लिस्ट को रिप्लीकेट करने का काम आता है कॉपी करने के काम आता है अब है लिस्ट मॉडिफिकेशन लिस्ट मॉडिफिकेशन मीन लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है नाउ वी वॉन्ट टू चेंज द एलिमेंट्स इन द एग्जिस्टिंग लिस्ट सपोज वी वॉन्ट टू चेंज मैथ इन प्लेस ऑफ फिजिक्स इस फिजिक्स के बदले मैं यहाँ पे मैथ लहाना चाहता हूँ सो हाउ वी कैन डू दिस यूजिंग दियर इंडेक्स इंडेक्स हम इससे पहले पढ़ चुके हैं जो पहला एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स जीरो होता है नेक्स्ट वन होता है टू होता है थ्री होता है फोर होता है अब बैकवर्ड इंडेक्सिंग में बात करें तो इसको माइनस वन होता है माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव तो इस समय ये जो फिजिक्स है इसका जो इंडेक्स है वो क्या है जीरो तो हम लिखेंगे एल वन जीरो इज इक्वल टू मैथ इसको लिखेंगे प्रिंट एल वन करेंगे तो ये मैथ यहाँ पे फिजिक्स को रिप्लेस कर देगा और आउटपुट आप देखेंगे ये मैथ केमिस्ट्री ये हो जाएगा तो इस फिजिक्स के बदले ये मैथ हमारा आ गया यूजिंग इंडेक्स तो लिस्ट कैन यू मॉडिफाई यूजिंग इंडेक्स कीप इन माइंड प्लीज अब एक और प्रोग्राम ले लेते हैं लिस्ट इज़ ऑलरेडी हेयर एलवन फिजिक्स केमिस्ट्री नाइन्टीन नाइन्टी सेवन एंड थ्री अब हमने यहाँ पे जैसे पहले किया था एल जीरो में मैथ डाल दिया और प्रिंट एलवन कर दिया तो इसका जो आउटपुट है वो ये है मैथ केमिस्ट्री नाइन्टीन नाइन्टी सेवन टू थाउजेंड एंड थ्री थाउजेंड राइट इस फिजिक्स के बदले ये मैथ आ गया है मैथ ने फिजिक्स को रिप्लेस कर दिया है दिस एंड दिस इज़ द आउटपुट यू कैन सी हेयर राइट right. अब हम क्या करेंगे जीरो ये टू है इंडेक्स तो जीरो वन टू नाइनटीन नाइन्टी सेवन के बदले हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करना चाहते हैं और वैल्यू क्या डालना चाहते हैं ये वन थाउजेंड तो कैसे करेंगे यहाँ पे जीरो वन टू तो एल टू एल वन नेम ऑफ द लिस्ट एंड विद इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट वी विल राइट इंडेक्स जिसका हम चेंज करना चाहते हैं उसका इंडेक्स यहाँ पे लिख देंगे और इज इक्वल टू तो जो वैल्यू हम डालना चाहते हैं वन थाउजेंड तो इस तरह से जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू 1997 नाइन्टी सेवन जो इंडेक्स टू पे मौजूद है राइट द वैल्यू विच इज़ इन इंडेक्स टू विल बी वन थाउजेंड नाउ अब हमने प्रिंट स्टेटमेंट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइनटीन नाइन्टी सेवन के बदले क्या आ गया वन थाउजेंड आ गया नाउ वी हैव वन थाउजेंड इन प्लेस ऑफ नाइनटीन नाइन्टी सेवन तो इस तरह से हम एक लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डियर इंडेक्स मान लीजिए इसको थ्री थाउजेंड को फाइव थाउजेंड करना है तो कैसे करेंगे इसका इंडेक्स क्या है ज़ीरो वन टू थ्री फोर तो आप क्या लिखेंगे एलवन इसके यहाँ पे फोर इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड अगर इस तरह से करते हैं प्रिंट एल वन करते हैं तो ये थ्री थाउजेंड का फाइव थाउजेंड हो जाएगा तो किस तरह से हमने लिस्ट को मॉडिफाई किया यस यूजिंग इंडेक्स तो आशा करता हूँ आप लोगों ने आज तीन टॉपिक्स कवर कर लिए हैं ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट या ट्रैवर्सल अ लिस्ट मीन्स हर एलिमेंट को एसेस करना टच करना या प्रोसेस करना राइट right? फिर है लिस्ट ऑपरेशन दो ऑपरेशन प्लस और एस्टिक प्लस